गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महासिंह नहरवाल एक बार फिर से आप सभी लोगों का ATS स्कूल बांसुर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने वर्ग की संवर्गों के बारे में अध्ययन किया था कि वर्ग की संवर्ग किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको किस अनुक्रम में लिखा जाता है। आज हम उन्हीं वर्ग की संवर्गों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं कि कौन सा संवर्ग क्या होता है, उस संवर्ग में किस प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है, कौन सा संवर्ग वर्ग की पदानुक्रम में सबसे बड़ा वर्ग होता है, कौन सा संवर्ग सबसे छोटा होता है। आइए आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं वर्ग की संवर्गों का विस्तृत वर्णन। आप जानते हैं कि जो वर्ग की संवर्ग हैं, इनका वर्ग की में एक निश्चित पदानुक्रम होता है, और वह पदानुक्रम यदि हम देखना चाहें तो सबसे बड़ा और उच्चतर जो संवर्ग होता है वह जगत होता है। नंबर दो, संघ होता है जो कि जगत से छोटा होता है। नंबर तीन, वर्ग, यह संघ से छोटा होता है। नंबर चार, गण, यह वर्ग से छोटा होता है। नंबर पांच, कुल, यह गण से छोटा होता है। नंबर सिक्स, वंश, यह कुल से छोटा होता है। नंबर सेवन, जाति, यह वंश से छोटा संवर्ग होता है। इस प्रकार से वर्गीकी के ये प्रमुख संवर्ग होते हैं। इनमें हम बात करते हैं एक एक करके सभी की, तो यह है वर्ग की का सबसे उच्चतर संवर्ग होता है। वर्गीकी के सबसे उच्चतर संवर्ग का क्या नाम है? जगत। और हम जैसे जैसे आ रहे हैं नीचे तो संवर्ग छोटा होता चला जाता है। तो जाति जो है ये वर्गीकी का सबसे छोटा संवर्ग है। वर्गीकी का सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। इस प्रकार से सबसे छोटे संवर्ग का नाम जाति, सबसे बड़े संवर्ग का नाम, सबसे उच्चतर संवर्ग का नाम जगत। आइए अब हम देखते हैं कि जाति से लेकर जगत तक संवर्ग किस किस प्रकार से बनते हैं, किस किस में क्या क्या किस चीज को शामिल किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन समझने वाले हैं सबसे पहले जाति के बारे में। आप ये तो जान ही चुके हैं कि यह वर्गीकी का वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी एवं मूलभूत इकाई होती है। जाति को वर्गीकी की सबसे छोटी
एवं मूलभूत इकाई के नाम से जाना जाता है। जाति के संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं, उन्हें अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। एक साइंटिस्ट थे जॉन रे, इनके अनुसार जाति क्या होती है? जॉन रे के अनुसार वे समस्त जीव जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है वे एक जाति कहलाते हैं। वे सभी जीव जिनकी उत्पत्ति अर्थात जन्म एक ही प्रकार के जनक से होती है उन्हें एक जाति के सदस्य कहा जाता है। यहाँ पे जॉन रे ने परिभाषित किया कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका जन्म उनकी उत्पत्ति यदि एक ही प्रकार के जनक से हुई है तो वो सभी सदस्य एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। दूसरा, जाति का परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक का नाम है मेयर। जो मेयर थे इनके अनुसार जो जाति है वह थोड़े से सही शब्दों में और इसको सुधरे हुए रूप में बताया गया कि वे सभी जंतु जो प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन द्वारा जननक्षम संततियां उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, वे सभी सदस्य एक जाति के सदस्य कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन द्वारा जनन करने की क्षमता रखने वाली संतान उत्पन्न करते हैं। उन्हें एक जाति के सदस्य कहते। यानी जिन जंतुओं द्वारा लैंगिक जनन करके प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन करके ऐसी संततियां उत्पन्न की जाती हैं जो भी भविष्य में आगे चलकर लैंगिक जनन द्वारा पुनः लैंगिक जनन संततियां जननक्षम संततियां उत्पन्न करते हैं उन सदस्यों को एक जाति के सदस्य कहा जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से अपने आप प्राकृतिक आवासों में लैंगिक जनन होना चाहिए और जो संततियां उत्पन्न होती हैं वे भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होनी चाहिए। इस प्रकार के जीव एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। ये परिभाषा दी गई थी मेयर के द्वारा। जाति के संदर्भ में उसके बाद कुछ और संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई जिन्हें जाति की संकल्पनाएं कहा जाता है। जाति की संकल्पनाएं, इस संदर्भ में तीन संकल्पनाएं यहां पर अपने अध्याय में दी गई हैं, जिसमें पहली जो संकल्पना है
उसका नाम है प्ररूप विज्ञानीय संकल्पना, प्ररूप विज्ञानीय संकल्पना। दूसरी जो है वह है अवास्तविक जाति संकल्पना और तीसरी जो है यह है जैव वैज्ञानिक जाति संकल्पना। जैव वैज्ञानिक जाति संकल्पना, इस संकल्पना को हम जैव जाति संकल्पना के नाम से भी जान सकते हैं। जैव जाति संकल्पना, उपरोक्त तीनों संकल्पनाओं के आधार पर क्या क्या होता है, जो प्ररूप वैज्ञानिक संकल्पना है इसके अनुसार वे समस्त जीव जिनके बाह्य आकार के लक्षण समान होते हैं, यानी बाहरी रूप से देखने पर जो समान दृष्टिगत होते हैं, समान दिखाई देते हैं, वे एक जाति के सदस्य होते हैं। बाह्य आकार की लक्षणों में समान प्रतीत होने वाले जीव, इस संकल्पना के अनुसार जिन जीवों के बाहरी लक्षण समान दिखाई देते हैं वे जीव एक जाति के लक्षण कहलाते हैं, लेकिन इस संकल्पना के आधार पर सभी जीवों को एक जाति के सदस्य नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें बाहरी लक्षण हैं वो समान होते हुए भी वे एक ही जाति के सदस्य नहीं हैं। उसके बाद दूसरी जो संकल्पना है वो अवास्तविक संकल्पना। यह संकल्पना क्या है, इस संकल्पना के आधार पर यह कहा गया है कि जाति जैसा जीवों का कोई समूह नहीं है, यह केवल मानव कल्पना मात्र है जिसे मान्य नहीं किया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यानी अवास्तविक जाति संकल्पना क्या है, इस संकल्पना के आधार पर जाति जैसा जीवों का कोई समूह है ही नहीं, यह केवल मानव की एक कल्पना मात्र है, इस संकल्पना को पूरी तरह से अमान्य कर दिया गया है। उसके बाद तीसरी संकल्पना है, यह एक वैज्ञानिक संकल्पना है, यह जाति को विस्तृत रूप से परिभाषित करने वाली संकल्पना है। इस संकल्पना के कुछ विशेष बिंदु हैं जिन्हें यहाँ पर अपन समझते हैं। नंबर एक, वे समस्त जीव जो अंतः प्रजनन कर सकते हैं, संकल्पना के आधार पर जिन जीवों में अंतः प्रजनन होता है प्राकृतिक रूप से, वे समस्त जीव क्या एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। नंबर टू, जिन जीवों का एक निश्चित जीन समूह या जीन पूल पाया जाता है
यानी समान जीन समूह वाले जीव। जीन में स्वतंत्र अपयोन होता है, उन्हें एक ही जाति के जीव कहा जाता है। ऐसे जीव जिनमें एक निश्चित एक नियत जीन समूह पाया जाता है, एक जीन पूल होता है तथा उनके मध्य स्वतंत्र अपयोन होता है, तो वे जीव एक जाति के सदस्य कहलाते हैं। नंबर थर्ड, जिन जीवों में प्राकृतिक रूप से अनुकूलन पाया जाता है तथा प्राकृतिक चयन होता है, अनुकूलन और प्राकृतिक चयन द्वारा जो नई जातियों का निर्माण करते हैं वो एक जाति के सदस्य कहलाते हैं। इसके अलावा जो जीव प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन करते हैं लैंगिक जनन करके जननक्षम संततियां उत्पन्न करते हैं, वो एक जाति के सदस्य कहलाते हैं। नंबर फिफ्थ, जिनमें उद्विकास द्वारा नई जातियों का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, यानी नई जातियों द्वारा जैव विकास होता है, उद्विकास द्वारा जैव विकास करने वाले जीवों को एक जाति के सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार से ये जाति की तीन संकल्पनाएं यहाँ पर अपन ने पढ़ी हैं। शेष वर्ग की संवर्गों का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।